अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नसीमा शेख एंड यू आर वाचिंग अस अरेबियन व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं गोरेगांव। तो हम गोरेगांव क्यों जा रहे हैं मैं आपको वहीं पहुंचकर बताऊंगी। फिर वहां से हम लोग जाएंगे जोगेश्वरी, और यहां बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। तो अभी हम लोग गोरेगांव पहुंच गए हैं, जहाँ के लिए हम लोग निकले थे। तो हम लोग आज आए थे क्लिनिक हर्षू को दिखाने के लिए। तो ये क्लिनिक का हम लोग ने बहुत नाम सुने थे, मेरे फुप्पू सास ने रिकमेंड किए थे कि ये बहुत अच्छी क्लिनिक है, बहुत लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। क्लिनिक के हालात पर मत जाइए, क्योंकि हम भी पहले क्लिनिक की कंडीशन देखे तो हम लोग ने, मेरे भी दिल में ख्याल आया कि जब इतनी चलती है ये क्लिनिक तो ये डॉक्टर इसको अच्छे से रिपेयर क्यों नहीं कर देते। पर जाने दो, वो डॉक्टर को ही पता। बट इनकी दवा बहुत असर करती है, तभी दूर दूर से लोग आते हैं और अच्छे अच्छे लोग आते हैं। मैंने मेरे लिए यहाँ से वेट लॉस की दवा ली थी, तो मैंने आगे वीडियो में हॉनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ कि मेरा वेट लॉस हुआ या नहीं, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर भी अपॉइंटमेंट लेके भी उधर एक घंटा हम लोग को खड़े रहना पड़ा। यहाँ हर्षू खड़ा है, हर्षू का डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो अब हम लोग ने सोचा कि यहाँ तक आए हैं गोरेगांव, तो जोगेश्वरी में मेरी मुमानी सास रहते हैं, तो कभी आना जाना होता नहीं है वहाँ। अभी हम लोग ने पाँच साल में एक बार गए थे बस, वो भी मेरी ननंद का बेटा हुआ था तो उसके छिल्ले में। तो अभी हम लोग सोचे कि यहाँ तक आए हैं तो चले जाते हैं। तो अभी हम लोग सेकेंड टाइम गए, पाँच साल में सेकेंड टाइम। और क्लिनिक से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था, इसलिए हम लोग चले गए। तो हम लोग अभी पहुँच गए, अब इसके आगे गली से जाना है। तो अभी मेरे हस्बैंड पार्क करने गए। क्या हुआ शु? केटी है, किधर है केटी? यहाँ है केटी। पापा का है, पापा पापा चला गए। नानी का है, नानी ऊपर है। नानी चला गया, क्या हुआ? चोट लग गई। अल्लाह, मैं बच्चे को चोट लग गई। हर्षु अपना टायर किधर है? अंदर है। हम लोग का गुड्डू को ये बोलता है टायर, टायर मतलब टाइगर, है ना? टाइगर ना, केटी नहीं टायर है। बॉबी कहाँ है? बॉबी नहीं है, जूबी है। पापा क्या है? बाबा शिप है, बाबा बाबा ब्लैक शिप। तो अभी हम लोग घर पर पहुंच गए, हर्षु थोड़ा सा आगे निकल गया। तो अभी घर के अंदर की तो ज़्यादा कुछ क्लिप नहीं है, तो पर जो भी होगा मैं आपको बताती हूँ। तो हम लोग थोड़ा बीच के टाइम में गए थे, स्नैक्स के टाइम पे, ना वो लंच था ना वो डिनर था। तो मैंने फिर हम लोग कबाब पाव मंगाए थे, और फिर ये डिनर का टाइम हो गया था, तो मसूर पुलाव बनाए थे मुमानी ने, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। और यहाँ उनके अरबी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो यहाँ हर्षू अभी उन लोग की क्लास ले रहा है, ये अरबी पढ़ाने के लिए बैठा। उन लोग से इतनी बकबक बकबक कर रहा था जैसे कि यही है पढ़ाने वाला। और अभी मुमानी दाल चावल लेके आए हर्षू के लिए, क्योंकि वो तीखा चीज़ें ज़्यादा खाता नहीं है इसलिए। इधर हर्षू देखो सब लोग को कैसे चुप करा रहा है, उन लोग को बोलता चुप बैठो, अल्लाह अल्लाह पढ़ो, ऊपर से मम्मा देख रही है। कैसा बुड्ढे लोग ऐसा बात कर रहे हैं? उन लोग बोलता नाम क्या है, उन लोग पूछे तेरा नाम क्या है, तो बोले हस्सू हूँ। तो क्या बोला, क्या बोला? बोले चुप करो, मैं हस्सू हूँ। वही सब बोल रहे, स्कूल डालो, इतनी बातें कर। कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह अल्लाह जा रहा है।
तो ये सब है मोमानी के अरबी के बच्चे, और भी बच्चे आने वाले हैं, अभी आधे ही बच्चे आए हैं। अभी हम लोग जोगेश्वरी से निकल चुके हैं घर के लिए और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और हर्षु पहनने को तैयार नहीं है रेनकोट, तो हम लोग एक बाजू में गाड़ी खड़ा करके अभी ये भी रेनकोट पहन रहे हैं और हर्षु को पहना रही हूँ तो नहीं पहन रहा है, तो उसको मैंने बस ऊपर से ढक दिया और मैं तो पहनी हुई थी। पर फिर भी हम लोग पूरे रास्ते में पूरा जोगेश्वरी से लेके यहाँ तक 2 घंटा लगा हम लोग को आने और 2 घंटा कंटिन्यू बारिश लगी हुई थी, 1 मिनट भी नहीं रुकी और हम लोग रेनकोट पहने हुए भी पूरे भीग गए। और यहाँ मैं मोबाइल भिगाते हुए क्लिप ले रही हूँ आप लोगों को दिखाने के, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो यहाँ हम लोग को सफ़र करते करते 1.5 घंटा हो चुका था, तो थोड़ा हम लोग 1 मिनट के लिए रुके थे थोड़ा अपनी कमर सीधी करने के लिए, बहुत ज़्यादा दुख रही थी। और मैं अभी आपको साथ हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ डॉक्टर का, क्योंकि मुझे ये वीडियो 1 हफ्ते बाद में पोस्ट कर रही हूँ तो दवाई ख़त्म भी हो गई। तो हर्षु के साथ साथ मैंने मेरे लिए भी दवाई ली थी वेट लॉस के लिए, तो मैंने खाई दवा, मैंने सिर्फ 4 दिन ही खाई तो असर कर रही है दवा, मैंने बस 1 खुराक ही खाई थी तो असर चालू हो जाता है। मेरा 1 दिन में 1 किलो वेट कम होता था, 3 दिन मैंने 3-4 दिन खाई तो 3 दिन में 3 किलो वेट कम हो गया था, बट डॉक्टर ने बताए थे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होएगी, बहुत वीकनेस होएगी, उल्टी हो सकती है और लूज़ मोशन हो सकते हैं, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स है उसके, तो भी मैंने बोला था कि हाँ दो आप मैं खाऊंगी। तो मैंने अब फ़िलहाल तो बंद कर दिए क्योंकि वेट लॉस तो हो रहा था पर इतना ज़्यादा भी वेट लॉस होना इतनी तेज़ी से वो भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी घर के, बिस्तर पे पड़ी हुई रहती थी और बहुत मुश्किल से जाके खाना बना पाती थी, थोड़ा बनाती थी, थोड़ा सोती थी, थोड़ा बनाती थी, थोड़ा लेटती थी, खड़े रहने की हिम्मत नहीं होती थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती थी। इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया, मैंने बोला बाद में जब मेरा मेकअप आर्टिस्ट की जो क्लास चालू है वो क्लास ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं वापस चालू करूँगी और ज़्यादा नहीं 5-6 किलो कम करूँगी और उसके बाद मैं हेल्दी तरीके से दवा बंद कर दूँगी और फिर हेल्दी तरीके से डाइट करके मैं वेट लॉस करूँगी, ऐसा मैंने सोचा है। अभी देखेंगे, मेरे से डाइटिंग नहीं होती यही तो बात है ना, और ना एक्सरसाइज होती है, इसलिए मैंने दवा का सहारा लिया था। तो यहाँ मैंने अपना पूरा सीक्रेट खोल दिया क्योंकि मैं चाहती थी अगर कोई मेरा व्लॉग देखकर जिसको वेट लूज़ करना चाहता है अगर उसको फ़ायदा होता है और अगर उसको बर्दाश्त करने की ताकत है उतनी वीकनेस तो उसके लिए बहुत अच्छा है, वो कर सकता है, शायद ये व्लॉग देखकर किसी की हेल्प हो जाए, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया। तो फ्रेंड्स अभी तो हम लोग फ़िलहाल पहुंच चुके हैं घर पे, तो आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।